वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हमारे साथ हैं नम्रता, और जो रिसेंटली इंडिया से कनाडा आई हैं थ्रू दुबई। तो आज सारा उनका एक्सपीरियंस उनसे जानेंगे, कैसे वो आई, कुछ प्रॉब्लम हुई कि नहीं। बट उससे पहले नम्रता, वेलकम टू द चैनल, और प्लीज आप अपने बारे में बताइए कि हेलो। आप इंडिया में क्या कर रही थी और कनाडा में कौन सा कोर्स है आपका और कौन से कॉलेज में है। हेलो। तो मिस्टर पवन ने मुझे पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन मेरा नाम नम्रता है। मैं फिर से कर देती हूँ। मैं इंडिया के एक शहर उत्तराखंड से हूँ, और वहाँ पे मैं एक छोटे से टाउन हल्द्वानी से हूँ। और वहाँ पे मैंने की है अपनी ग्रेजुएशन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाई करी थी। और मेरा बैच है 2016 से 2019। तो मैं आपको अपनी जर्नी शेयर करूंगी कि मैं किस रूट से आई हूँ, और क्या क्या मुझे कैसे कैसे मुझे देखना पड़ा, किन किन लोगों से मुझे बात करनी पड़ी, और किस तरह से मैंने अपनी चीजें अरेंज की। तो मैं आपको सब शेयर करूंगी। अच्छा, आपका यहाँ पे कौन सा कोर्स और कॉलेज है? जी, यहाँ पे मैंने जो परस्यू किया है वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट डिजिटल मीडिया। मैंने यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के लिए अप्लाई किया था इस कोर्स में। तो फिलहाल मेरी अभी मेरा मेन इनटेक था मेरा 2021 में ही, और मेरा ये सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। तो चलो अब बात करते हैं कि यार आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इंडिया से, आप कैसे कैसे आई और कहाँ आपने हॉल्ट करा, और आरटीपीसीआर वगैरह टेस्ट वगैरह कहाँ कहाँ करा, तो उसके बारे में कुछ शेयर करिए। हाँ जी। तो ये जो अब मेरी जर्नी थी कि क्योंकि मैं एक टोटली डिफरेंट कंट्री में जा रही थी, और मैंने लाइफ में कभी फ्लाइट में एरोप्लेन के थ्रू या फिर ऐसे कभी ट्रैवल नहीं किया था। हमेशा ट्रेन, क्योंकि मैंने इंडिया में ही ट्रैवल किया मोस्टली, तो हमेशा बसेस और ट्रेन में ही होता था। तो एकदम से फ्लाइट वाला चीज मेरे लिए एकदम नया था, एंड मुझे उसका बिल्कुल आइडिया नहीं। ना ही मेरे कोई फैमिली मेंबर में कोई ऐसा था जो थे, उन्होंने डोमेस्टिक ट्रेवल ही किया था, आउट ऑफ इंडिया किसी ने ट्रेवल नहीं किया। तो मैंने काफी लोगों से इन्फॉर्मेशन ली, मेरे क्लासमेट्स थे, फिर मेरे कुछ नेबर्स थे जिन्होंने ट्रैवल किया, और उनसे मैंने बात वगैरह की। फिर मैंने जाना कि किस तरह से फ्लाइट बुक होती है, कौन सी वेबसाइट है, ये सारा देखा। फिर मेरे एक फ्रेंड ने एजेंट का नंबर दिया। पहले मुझे लगा कि मैं खुद से फ्लाइट बुक करती हूँ, बट मेरे पास क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं थी और मुझे नहीं पता था कि वीजा वगैरह के लिए अप्लाई कैसे करना होता, क्योंकि अभी के लिए डायरेक्ट जो कनाडा पे एयर कनाडा जो है डायरेक्ट इंडिया से कनाडा, वो भी उसका बैन लगा हुआ है, बंद हो क्योंकि रही अभी वो थी। लोग, हाँ जी। तो फिर मेरे को, क्योंकि सब लोग अभी तीस थर्ड रूट से ट्रेवल कर रहे हैं, तो मुझे भी वही ऑप्शन लेना था। फिर मेरे कुछ, तो फिर खुद के उस पे तो अभी मेरे से पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ना मुझे फ्लाइट बुक करनी आती थी, ना मुझे वीजा के लिए अप्लाई करना आता था। तो मुझे लगा कि बेस्ट ऑप्शन अभी एजेंट है। तो मैंने फिर लाइक अराउंड 5 to 6 एजेंट से मैंने बात किया, और मुझे उनका नंबर मेरे दोस्तों के थ्रू मिला था। तो उनसे बात करने के बाद मुझे पता, काफी अलग अलग पैकेजेस उन्होंने मुझे दिए, और उनमें से जो कुछ पैकेजेस बहुत ज्यादा थे, लाइक कुछ लोग 3-3 लाख के पैकेजेस बता रहे थे। और रूट्स उन्होंने मुझे मालदीव्स, मैक्सिको और कायरो और अलग अलग ऐसे काफी रूट्स बताए श्रीलंका के। बट मुझे जो सबसे सही रूट लगा वो था इंडिया, दिल्ली, दिल्ली से दुबई, दुबई से लंदन, एंड फिर टोरंटो। अब मैं आपको उसका डिटेल में बताऊंगी कि कैसा था। ज्यादा विचार विमर्श के बाद मैंने अपने एजेंट से डन किया सारा कुछ। मेरी 12th of September की ही फ्लाइट थी, तो दिल्ली से दुबई मेरी पहला फ्लाइट थी। दुबई में मेरा 2 night स्टे था, और दिल्ली एयरपोर्ट पे मैंने अपना कोविड टेस्ट करवाया एयरपोर्ट पे, क्योंकि 5 to 6 hours में आपको रिपोर्ट मिल जाती है। तो मुझे दुबई के लिए दोनों टेस्ट करवाने थे, रैपिड एंटीजेंट और आरटीपीसीआर, और दोनों कंपलसरी थे। क्योंकि पहले मैंने सिर्फ आरटीपीसीआर करवाया था, बट मुझे 2-2 घंटे बाद पता चला कि आपको एंटीजन भी करवाना पड़ेगा। तो फिर मैंने फटाफट दोनों करवा दिए थे, एंड अकेली मेरे को रिपोर्ट टाइम पे आ गई थी। और मैं 4 घंटे पहले ही लाइक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला जो एक होता उधर पे चली गई थी। फिर उसके बाद प्रॉब्लम कहाँ पर आई कि इंडिया जो दिल्ली में एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां पे मुझे काफी लाइक 2-3 घंटे तक मुझे खड़ा खड़ा रहना पड़ा था चेक इन के लिए। तो यहाँ पे मुझे काफी अच्छा, दिक्कतें आई थी। मतलब इतना भीड़ थी क्या वहां पे इतनी? हाँ जी, बहुत भीड़ थी, एंड मैं थोड़ा सा बोलूंगी कि उन लोग का सर्विसेज भी जो एयर इंडिया
वालों का है, मेरी एयर इंडिया एयरलाइन थी। और मतलब मुझे चेक इन के लिए मैं 2 घंटे 2 ढाई घंटे पहले ही मैं लाइन में खड़ी हो गई थी और मुझे काफी टाइम लगा। आजकल बहुत रश है ऐसे हाँ भी। जी, तो फिर 3 घंटे लाइक ढाई 2.5 आवर्स के बाद मेरा टर्न आया था। एंड फिर मतलब चेक इन वगैरह में प्रॉब्लम नहीं आई, तो मुझे बोर्डिंग पास मिल गया था। फिर अंदर में गई तो वहां से उसके बाद स्मूथ था। फिर सिक्योरिटी वगैरह चेक इन हुई, एक और जगह चेक इन हुई, और उसके बाद फिर मैं सीधे फ्लाइट पे बैठ गई। तो अच्छा, मेरा उन्होंने क्योंकि एक क्वेश्चन, हाँ उन्होंने जी आरटीपीसीआर टेस्ट चेक करा आपका? जी हाँ, उन्होंने मेरा आरटीपीसीआर टेस्ट भी चेक करा था। उन्होंने मेरे दोनों मतलब जो भी था रैपिड एंटीजन पर आरटीपीसीआर, और मेरे पासपोर्ट चेक किया था, एंड मेरी जो ट्रैवल की वो थी जो फ्लाइट बुकिंग डिटेल्स थी वो भी चेक करी साथ में। अच्छा, कॉलेज का कोई लेटर तो चेक नहीं किया ना, कि मतलब कि आप पढ़ने जा रहे हो तो उस कॉलेज से नहीं, रिलेटेड ये कुछ चीज वहां पे चेक नहीं हुई थी। ये चीज मेरी चेक हुई थी बाद जब में? मैं, हाँ जी, ये चीज मेरी एक तो दुबई में चेक हुई थी, और एक मेरी ना दुबई नहीं लंदन में चेक हुई थी, और एक मेरी ये कनाडा में चेक हुई कनाडा में थी। चेक हुई थी, हाँ, सही। स्टडी से रिलेटेड जो मेरे डॉक्यूमेंट्स थे। बाकी सिर्फ बाकी लंदन तक का मेरे सिर्फ चेक हुए थे ट्रैवल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। फिर मतलब सारा कुछ मेरा हो गया था कंप्लीट, एंड लाइक 15 मिनट्स पहले ही मैं फ्लाइट में बैठी, तो लाइक मेरे लिए बहुत अच्छा। हाँ, मैं काफी एग्जॉस्ट हो गई थी उस टाइम पे, बट मैं फिर भी एक्साइटेड थी बिकॉज मेरा फर्स्ट ट्रैवल मतलब फ्लाइट एक्सपीरियंस था। फर्स्ट फ्लाइट में तो अच्छा ही लगता है। हाँ, तो काफी मतलब डर भी था कि जब प्लेन उड़ेगा तो कैसा मतलब कैसा फील होएगा। तो हाँ जी, फिर मेरा फर्स्ट फ्लाइट तो मेरी दुबई की थी। मैं 8:30 पे मेरी फ्लाइट थी इन दिल्ली से, और मैं 10:45 पे दुबई पहुंच गई थी। तो फिर सारा कुछ जो है मेरे एजेंट ने बुक करवाया था दिल्ली टू दुबई। फिर वहां से मुझे ड्राइवर पिक करने आएगा, वो मुझे एक होटल ले जाएगा। जो होटल था वो था जेकब्स गार्डन होटल, एयरपोर्ट से कुछ 25 या 30 मिनट की दूरी पे था। और सच बताऊं तो दुबई मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप दुबई बाहर घूमने भी गए क्या? जी हाँ जी हाँ, मैं वहीं पे आ रही हूँ। तो हाँ, वहां से मतलब पहुंच के मैं होटल पहुंची, तो वहां पे सारा कुछ मेरा अरेंज था। मेरे को एक ड्राइवर पिक करने आया, उसने कुछ एक बैनर टाइप का पकड़ा हुआ था नम्रता पंत नाम पे, ताकि मैं इजिली रिकॉग्नाइज कर लूँ। फिर मैं गई और सब कुछ बड़ा स्मूथली हुआ, और होटल भी मैं आराम से पहुंच गई थी। फिर मैंने अपनी कीज वगैरह ली, और होटल काफी अच्छा था। दुबई में मेरा 2 नाइट स्टे था क्योंकि मेरी वहाँ ओ आरटीपीसीआर होनी थी, तो अच्छा, उस रात को मैंने रेस्ट किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही 8 o'clock में वो सब कुछ अरेंज था, मैं हॉस्पिटल पहुंची क्योंकि मेरा सारा कुछ एजेंट ने अरेंज करवाया था। तो मैं हॉस्पिटल पहुंची, उन्होंने मेरा इमीडिएटली ही उन्होंने मेरा सैंपल्स ले लिए थे टेस्ट के लिए। तो मेरा टेस्ट हुआ, लाइक इट टुक मी अराउंड 15 मिनट्स। उसके बाद फिर मैं वहां से चली गई, तो मैंने मतलब जो मेरे ड्राइवर थे, क्योंकि वो मेरा कंपनी के ड्राइवर थे, तो मैंने उनसे पूछा कि लाइक मेरे को एक दिन के लिए घूमना है सिटी, तो लाइक आप मेरे हेल्प कर सकते हो मुझे थोड़ा सा घुमाने में। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये वाला जो हम लोग की कंपनी है वो काफी ज्यादा चार्ज करेगी, तो फिर आप लोकल टैक्सी ले लो। तो फिर बिकॉज मेरे पास पूरा एक दिन पड़ा था, तो मैं सोचा कि मैं रूम में बैठ के क्या ही करूंगी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा सा बाहर देख लेते हैं दुबई कैसा शहर है। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ की फेमस स्पॉट्स क्या हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स में जो मेन है। तो उन्होंने मुझे वैसे तो काफी उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें दुबई घूमना है तो मेरे को 1 वीक चाहिए, बट मैंने बोला कि मुझे 1 वीक का तो टाइम नहीं है, मुझे एक दिन के हिसाब से बता दीजिए। तो जो उन्होंने बोला कि यहाँ पे काफी एक फेमस है दुबई मॉल, और जो कि मतलब पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉल बोला जाता है, और दूसरा एक दुबई फ्रेम है, वो एक टाइप का बस फ्रेम है बहुत बड़ा सा, इतना कुछ वहां पे मुझे खास नहीं लगा, मैंने विजिट किया था। और तीसरा था एक बुर्ज खलीफा बिल्डिंग। तो फिर मैं होटल पहुंची मेरा, और वापस आरटीपीसीआर करा के मैं होटल पहुंची, चेंज किया। फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया, अराउंड 9:30 हो रहा था, मैंने ब्रेकफास्ट किया क्योंकि मेरे को ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट सॉरी अच्छा, वो बेड एंड इंक्लूडेड था ब्रेकफास्ट पे उसमें। मेरा, हाँ हाँ जी, तो ब्रेकफास्ट मेरा इंक्लूडेड था प्लान में। और फिर मैंने ब्रेकफास्ट करते ही मैंने एक ऐप है वहाँ की, जैसे हम लोग के वहाँ ओला होती है और ऊबर, तो चलो वर्ल्ड ओला वाइड है। उबर फिर एक करीम नाम की एक ऐप थी, जिसमें तुम मतलब
इसमें काफी ज्यादा फैसिलिटी मतलब चीजें मिल जाती हैं, सर्विसेज खाने वाने की एंड टैक्सी वगैरह। तो मैंने करीम की, फिर मेरे को वहां से एक ड्राइवर पिक करने आया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे बस ये आई थी दुबई में कि मेरे पास वहां का लोकल सिम नंबर नहीं था, तो उनको कांटेक्ट करने में थोड़ी दिक्कत थी। बट थैंकफुली वाईफाई की वजह से मेरा काम थोड़ा इजी पड़ गया था, क्योंकि मैं जहां भी जा रही थी मुझे वाईफाई अवेलेबल था। तो लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम तो आई नहीं होगी वहां पे? वो लोग क्या बोलते हैं वो लोग? वो लोग वैसे मतलब जो लोग वहाँ पे जिन्होंने भी मेरे को पिक वगैरह जो भी मेरे थे एजेंट जिनसे भी अरेंज करवाया था, वो वैसे केरला के थे जहाँ पे मैंने स्टे किया था, वो सारे केरला के लोग थे। तो लाइक उनको हिंदी भी इतनी अच्छे से नहीं, तो इंग्लिश आती थी, लैंग्वेज का इतना इश्यू नहीं आया। चलो बढ़िया, क्योंकि और हाँ जी, मैं मेक्सिको से आया था तो और उस समय थोड़ा इशू आया था हम लोग को। मेक्सिको में तो बहुत मतलब हाँ जी, वो जाते नहीं हम लोगों मेरी को। फ्रेंड को भी आया था, वो भी मेक्सिको में गई थी, तो उसने भी मुझे बताया कि वहाँ पे लोगों को इंग्लिश ही नहीं आती है। जब मैंने करीम ऐप की, तो वो जो ड्राइवर थे वो पाकिस्तानी थे, तो उनको तो चलो हिंदी भी आती थी, तो इसमें मेरा चीक हो गया था। फिर उन्होंने मेरे को एक फ्रेम है, पहले वो वहां पे ले गए दुबई फ्रेम, काफी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। अंदर मैं नहीं गई बिकॉज अंदर पे चार्जेस लग रहे थे, और उन्होंने बोला कि इतना कुछ स्पेशल भी नहीं है। वहां से बाहर से मैंने थोड़ी फोटोज वगैरह क्लिक करवा ली थी उनसे। फिर वहां से मैं गई सीधे दुबई मॉल। दुबई मॉल काफी बड़ा मॉल है, एकदम खो जाने वाला। तो लाइक हाँ, मैंने सुना काफी आप अंदर ही घुसोगे तो इतना, पहले मुझे लगा कि इतना बड़ा मॉल कहाँ है, बट बहुत बड़ा है, मतलब कहाँ कहाँ से कहाँ चले जाओ पता भी नहीं चलता है। तो दुबई मॉल काफी ज्यादा मुझे अच्छा लगा, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट जो थोड़ी बेकार चीज मुझे लगी थी वो ये थी कि वहां बहुत गर्मी है। मतलब गर्मी। अगर आप हाँ मॉल के अंदर हैं तो अच्छा है, लेकिन गर्मी इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि रात को भी वहां पे इतनी ज्यादा गर्मी है कि जैसे हमारे वहाँ इंडिया में दिन में होती है, वहां पे भी रात को उतनी गर्मी है। ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा गर्मी है, अरब कंट्रीज एक में तो तो होता वो। ही है डेजर्ट वगैरह की वजह से ना। हाँ जी हाँ जी, तो ये मुझे बस यही एक थोड़ा वैसा पॉइंट है, अदरवाइज मेरे को दुबई बहुत अच्छा लगा। तो फिर उसके बाद मैं वापस चली गई थी दुबई मॉल घूम घूम के थोड़ा सा। फिर मैं वापस होटल गई, और फिर होटल में मेरे को मतलब जिन्होंने मेरा सब कुछ कंडक्ट करवाया था, और उनका मुझे मैसेज आया कि आपका 3:30 में फिर से पिकअप होना है, एंड आपको एयरपोर्ट 4 o'clock तक छोड़ दिया जाएगा। तो फिर रात को मेरा कंप्लीट नाइट नहीं था, नाइट स्टे, बट हाँ मैं 2:30 तक मतलब मैं थी। फिर मैं वहां से चेकआउट मैंने कर लिया था अर्ली मॉर्निंग 3:30। फिर मैं पहुंची दुबई एयरपोर्ट। फिर उसके बाद वहां पे इन्होंने मुझे, फिर मेरी थी दुबई से लंदन की फ्लाइट। हाँ जी, तो मैम अर्ली मॉर्निंग पहुंच के उन्होंने हमसे बोला कि अगर आप यूके जा रहे हैं तो आपको एक पैसेंजर लोकेटर फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा, तब हाँ, आप वो फॉर्म भरना फर्दर पड़ेगा। जा सकते हैं। तो मतलब थैंकफुली पहले मेरे एजेंट ने मुझे इस बारे में कुछ इन्फॉर्म नहीं किया था, बट मेरे एक फ्रेंड था, उसने मुझे एक डिटेल दी थी कि क्या क्या मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं। तो उसमें ये डॉक्यूमेंट भी था, और मैंने इंश्योर किया कि जो जो उसने मुझे बताया है मैंने वो सारा मुझे फिल करना है। तो थैंकफुली मेरे को वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा फॉर्म फिल करने में, मेरे पास पहले ही फॉर्म था। तो मैंने उनको दिखाया, फिर मेरा चेक इन हुआ वहाँ पे। मतलब मैं बोलूंगी दुबई एयरपोर्ट सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, और वहाँ पे आपको हर एक मोमेंट, हर एक पॉइंट पे आपको जो लोग हैं गाइड करते हैं वहाँ के, कि आप हाँ कि अगर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो खुद ही पूछ जाते हैं, हेलो मैम डू यू आर यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम, हाउ कैन वी हेल्प यू। तो इस तरह से तो मुझे वहां, तो मेरे लिए तो वहाँ बहुत ही अच्छी सर्विसेज लगी मुझे उन लोगों की। और मैंने बहुत इजीली, मेरा बहुत स्मूथली वहां पे हो भी गया था, लाइक विद इन 15 मिनट्स, 15 to 20 मिनट्स मेरा सारा चेक इन का काम डन हो गया था वहां से। फिर हाँ, फिर दुबई टू लंदन और लंदन टू कनाडा। अब लंदन में मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट थी, वहां पे मुझे कोई चेक इन नहीं करना था। तो दुबई टू लंदन में पहुंच गई थी, अराउंड मेरा ड्यूरेशन था 6 to 7 आवर्स का, 7 आवर्स में मैं लंदन पहुंच गई थी। और लंदन में दुबई से पहुंच आपकी ये जो दुबई टू टोरंटो वाली फ्लाइट है वो कौन सी थी? मेरी थी एमिरेट्स, एमिरेट्स एमिरेट्स की। मेरी ओके। एयरलाइंस। हाँ जी, ओके। तो उनकी सर्विसेज भी काफी अच्छी थी, मैं फ्लाइट में बैठी लाइक काफी ज्यादा। उन्होंने हाँ, मुझे एमिरेट्स काफी अच्छा है। हेडफोन्स वगैरह प्रोवाइड किए, ब्लैंकेट एंड पिलोस हाँ, वगैरह, वो क्योंकि एयर इंडिया में हमको ये सब नहीं मिला था। नहीं, एयर इनफैक्ट इंडिया में एयर आपको इंडिया, इसलिए नहीं मिला ना, मैं बताता हूँ। एयर इंडिया में मिलता है, एयर इंडिया की आपकी ना फ्लाइट छोटी थी, 2-2.5 घंटे की फ्लाइट थी, इसलिए नहीं मिला। तो बट जो जो लॉन्ग वाली फ्लाइट होती है, 6-7-8-9 घंटे वाली, उसमें आपको सब कुछ मिलता है, हेडफोन, खाना पीना, कंबल, हाँ तकिया वगैरह। हाँ एयर इंडिया में मुझे बस ये था कि जो मेरी स्क्रीन थी आगे उसमें टच भी काम नहीं कर रहा था,
तो मुझे थोड़ा सा लगा था कि मैं ऐसे अब वैसे बैठी हुई थी बट ओके हाँ लाइक एमिरेट्स वालों का सर्विसेज तो लाइक इट वाज टॉप क्वालिटी। तो अच्छा, फिर लंदन हाँ में क्या, लंदन में क्या हुआ, आप वहां कितना टाइम ट्रैवल फिर कर लंदन में मैं जैसे ही मैंने लैंड किया फिर उसके बाद मैं सीधे वहां पे मतलब डायरेक्शन दिए हुए होते हैं कैसे जहाँ से आप एंटर करते हो कि यहाँ पे आपका कनेक्टिंग फ्लाइट है। तो मतलब काफी उन्होंने एरोस वगैरह हर जगह डायरेक्शन के सिग्नल्स दिए होते हैं तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आई। मैं बस देखती रही क्योंकि मैं सच बताऊँ तो मैं अकेले ट्रेवल करी थी पूरा एंड मेरा मैंने कुछ कुछ लोगों से भी रास्ते में इन्फॉर्मेशन ली क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम ट्रेवल था नहीं। तो मुझे डर भी लग रहा था कि मैं कुछ गलती ना कर दूँ क्योंकि फ्लाइट्स में कुछ मतलब आ बटन्स भी होते हैं तो मैं कहा कुछ गलत ना दबा दूँ तो फिर कुछ हो ना जाए। तो फिर मैं बीच बीच में सबसे इन्फॉर्मेशन ले रही थी पूछ रही थी कैसे क्या होना है बट लंदन पहुंची फिर मेरे को डायरेक्शन मिली। मैं जहां जहां कनेक्टिंग फ्लाइट वाला दिखाया था मैं वहां गई। फिर वहां पे सिर्फ सिक्योरिटी हमारी सिक्योरिटी का था थोड़ा सा इट टुक अराउंड 10 मिनट्स। तो लंदन में मेरा था 1.5 आवर का ले ओवर। तो हम चलो लोग को कम था लंदन आपका। जो हीथ्रो एयरपोर्ट जो है हाँ ले ओवर कम था और हीथ्रो एयरपोर्ट काफी बड़ा था तो वहां पे लैंड करते ही सबसे पहले तो मैंने बस ली क्योंकि वहां पे बस से जाना पड़ता है क्योंकि हीथ्रो वो एयरपोर्ट इतना बड़ा टर्मिनल है कि चेंज करने के लिए, हाँ तो फिर वो काफी बड़ा है तो यू कांट लाइक यू कांट वॉक यू कांट गो नहीं बाय मुझे पता है बाय ना, फुट। जब मैं एक्चुअली जब हाँ मैं कनाडा टू इंडिया आ रहा था, मैंने गलती कर दी कि मैं वॉक करके चला गया, तो भाई इतना दूर टर्मिनल था ना, क्या यार कहाँ गलती कर दी मैं, मतलब हाँ दूसरे टर्मिनल आने वाट लग गई मेरी। हाँ ये थोड़ा इश्यू था। तो फिर मतलब मेरे सब तो ये भी था कि कभी मतलब थोड़ा बहुत मैं जैसे कभी नहीं पूछ पा रही थी तो मैं सबको फॉलो करी जो भी मेरे साथ थे। मेरे को ये इतना तो बस है। मैंने पूछा कि आपकी कौन सी फ्लाइट है ये वो तो बस मैं उनको फॉलो कर रही थी। तो फटाफट तो मेरे को ये हुआ कि जैसे कभी क्योंकि 1.5 आवर में मुझे पूछने का भी टाइम नहीं मिला किसी किसी टाइम पे तो क्योंकि इतना कुछ रश हो गया था। हाँ 2 घंटा, मतलब 2 घंटा इज लाइक वेरी टाइट। तो फिर फटाफट भागना पड़ा फिर सिक्योरिटी मतलब वहां पे फिर सिक्योरिटी चेक हुई। फिर उसके बाद उस सिक्योरिटी चेक करने के बाद भी वहां पे दो तीन और मतलब काउंटर्स थे वहां पे फिर से चेकिंग हुई। तो दो तीन चेकिंग के बाद फाइनली हम लोग फ्री हुए। हम लोग भागते भागते गए थे बिल्कुल बहुत ज्यादा हो गया था। तो मैं बस दो तीन लड़कियों को फॉलो कर रही थी बाकी मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। पहले तो मुझे लगा कि मैं कहीं गलत साइड की उस पर फॉलो ना कर रही हूँ। लगता है, मतलब मैं इतनी बार ट्रेवल कर चुका हूँ, मुझे भी लगता है ऐसा, अभी भी लगता है, लगा लो तो आप तो फर्स्ट टाइम कर रहे हो। हाँ फिर थैंकफुली मतलब मेरा सब कुछ सही हुआ और मैं बैठ गई थी मतलब 10 10 10 मिनट्स ही बचे थे क्योंकि फ्लाइट क्लोज होने वाली थी एंड हम लोग तो भी भाग रहे थे बहुत टाइम से। मेरे साथ कुछ और लड़कियां भी थी पर मैंने उनसे सिर्फ नॉर्मल डिटेल्स दी थी इतना मेरी बातचीत नहीं हो पाई थी क्योंकि वो लोग ऑलरेडी अपने लोग दोस्तों के साथ आए रहे थे। तो फिर मैंने 10 मिनट्स अच्छा हुआ मैंने फ्लाइट टाइम पे मैं बैठ गई और फिर वहां से मेरी लाइक 6 to 7 आवर्स की जर्नी थी टोरंटो एयरपोर्ट तक। और फिर मैं यहाँ पे फाइनली पहुंच गई अराउंड में यहाँ पे शाम के 4:45 5 बजे पहुंच गई थी। फिर यहाँ पे मेरा मतलब इमिग्रेशन वालों ने मुझसे कुछ क्वेश्चनिंग की कुछ पहले एक फॉर्म फिल करवाया था उन्होंने। एक डिवाइस थी बड़ी सी उसमें उन्होंने कुछ फॉर्म फिल किया कि आप क्या क्या सामान क्या क्या गुड्स कैरी कर रहे हो अपने इंडिया से तो उसका बताओ। आर यू कैरिंग एनी काइंड ऑफ कमर्शियल गुड्स फॉर सेलिंग पर्पज ऐसे करके। तो ऐसे कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चन थे मैंने फिल किए। फिर एक आपको मैं वो टर्म भूल चुकी हूँ। कियोस्क होता है वो, कियोस्क से आपको फिर रिसीट मिलती है वो, जहाँ हाँ फॉर्म एक फिलते हैं रिसीट ना। मिलती है और वो रिसीट हमको पहले शो करनी पड़ती है फिर फर्दर हमको भेजा जाता है इमिग्रेशन वालों के वहां पे। तो क्योंकि कनेक्टिंग फ्लाइट थी तो मुझे जो मेरा लगेज है सबसे लास्ट में मिलना था तो मैं वो रिसीट ली। फिर दो तीन जगह शो करने के बाद फाइनली जो इमिग्रेशन वालों ने फिर मुझसे क्वेश्चनिंग की। फिर लाइक हम लोग काफी स्टूडेंट्स हम लोग को बिठाया और हमको बताया गया कि यू तुमको एक व्हाइट बोर्ड था उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन थे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें रेडी रखने थे हमारे हाथ में ताकि हम लोग दिखा सके ऑन द स्पॉट। और थोड़ी बहुत क्वेश्चनिंग हुई कि व्हाई आर वी हियर एंड क्या पर्पस है स्टडी पर्पस से आए हो या वर्क पर्पस से आए हो। और दो तीन क्वेश्चनिंग की और कितने साल का प्रोग्राम है एंड देन लाइक वी वर सेट फ्री। फिर तो उसके उसमें बाद लोग, सॉरी टू इंटरप्ट, काफी ना काफी जो स्टूडेंट होते हैं वो डर जाते हैं कि भाई क्या इमिग्रेशन में क्या क्वेश्चन पूछेंगे, तो ऐसा आपको कुछ लगा? क्योंकि मुझे इतना लगता है कि नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं, जो भी है आपको सही सही बताना होता है।
हाँ जी, टू बी ऑनेस्ट मुझे भी जब मैं जब मैंने फ्लाइट मतलब जब मैं प्रिपेयर करी थी सारा कुछ की मेरी ट्रेवल का, तो मुझे भी डर था कि इमिग्रेशन वाले मुझसे कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे। मैंने अपने 2-3 दोस्तों से पूछा तो उन्होंने भी बोला कि नहीं, इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, वो बस पूछते हैं कि यहाँ क्यों हुआ, बस तुम्हें जो ध्यान रखना है वो है कि तुम्हारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तुम्हारे पास बिल्कुल तुम्हारा हाँ पासपोर्ट, वीजा और स्टडी अप्रूवल की यू आर अप्रूव्ड टू स्टडी इन कैनेडा, एक डॉक्यूमेंट होता है उसे कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर भी बोलते हैं शायद से, वो होना चाहिए, बायोमेट्रिक, जितने भी अपने इस प्रोसेस में पूरे अपने जो भी स्टडी डॉक्यूमेंट्स हैं, फी रिसिप्ट, फी रिसीट कॉलेज की अच्छा, और एसओपी कॉलेज वगैरह भी एक्सेप्टेंस मांगते क्या? लेटर, एसओपी होना चाहिए, बट मेरे उसमें रिक्वायर्ड नहीं था बिकॉज मेरे उसमें एसओपी का शायद इतना रोल नहीं था क्योंकि वो मेरे एजेंट ने दे दिया था, पर एसओपी वैसे लिया मतलब मेरे को लिखना नहीं पड़ा था एसओपी मेरे टाइम पे, तो एसओपी इतना रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन हाँ रख लो, आप रख लो, यू नेवर नो कोई आपसे कब आपसे पूछ लिया जाए किसी भी राइट राइट डॉक्यूमेंट के लिए। तो सच बताऊं तो क्वेश्चनिंग का इतना कुछ बड़ा सीन नहीं था, बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने कि आप क्यों आए हैं यहाँ पे, और आप अगर आप स्टडी वीजा पे हैं तो आपका प्रोग्राम क्या है, कितने साल का है, और बस इतने, बस 2-3 क्वेश्चंस, वेरी बेसिक क्वेश्चंस जो आपको पता ही होंगे क्योंकि आप ऑफकोर्स यहाँ पे जस्ट चल के राइट आ रहे राइट हैं। अच्छा, तो हाँ आरटीपीसीआर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, क्योंकि वहां पे एक हेल्थ डिपार्टमेंट बैठता है, वहां वो बोलते हैं कि वो हेल्थ डिपार्टमेंट के पास जाओ, तो वहां पे कुछ हुआ? आपने टेस्ट, आपने शायद वैक्सीन लगा रखी थी, तो आप तो सब चीज के एग्जेम्पशन हुआ, राइट? हाँ आरटीपीसीआर की अगर मैं पूरी जर्नी में बताऊं तो आरटीपीसीआर मुझे जो है वो एक तो दिल्ली एयरपोर्ट में शो करवाना था जो कि मैंने इंडिया से ही दिल्ली से ही करवाया था, और दुबई पहुंच के वहां पे मेरा टेस्ट हुआ था, मतलब जो होता ही है हर एयरपोर्ट में, दुबई पहुंच के राइट वक्त मेरा टेस्ट हुआ था, उसके मुझे नेक्स्ट डे आ गया था, लेकिन वहां पे क्योंकि मेरा ऑलरेडी टेस्ट होना ही था एक हॉस्पिटल से, तो जो रिपोर्ट है वो हाँ हर एयरपोर्ट में पूछी गई थी, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लंदन एयरपोर्ट में भी पूछी गई थी, तो मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स सब रेडी थे, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आई। तो मैं बस आपसे इतना बोलूंगी कि अगर आप जहाँ मतलब किसी भी कंट्री में अगर आप ट्रेवल करने का सोच रहे हैं तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग योर ट्रेवल आरटीपीसीआर, आपके अगर आप स्टूडेंट आपके कॉलेज से रिलेटेड रिसीट्स और जितने भी आपको लेटर कॉलेज वालों ने प्रोवाइड किए हैं सारे कुछ रखो तो कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। और ओके कनाडा पहुंच के मुझे कोई कनाडा पहुंच के अगर मुझे हाँ मुझे एक बार पूछा गया था आरटीपीसीआर के लिए, तो मेरे पास ऑफकोर्स 20-48 आवर्स तक का उसकी वैलिडिटी होती है आरटीपीसीआर रिपोर्ट की, तो मैंने वहीं पे अपना शो कर दिया था जो दुबई से मुझे मिला था क्योंकि वो तो 24 आवर्स ही हो रहे थे, तो फिर हाँ वो मैंने शो कर दिया था, तो इट वॉज ऑल गुड और सब कुछ स्मूथ था। गुड। तो आपके जो पासपोर्ट में कौन सा स्टैम्प लगा हुआ, ऑरेंज ग्रीन आजकल सब वो भी हाँ लोग मेरे पूछते हैं कि पासपोर्ट भाई क्या में, चल रहा है। हाँ अब मैं आपको बताती हूँ, जब मैं कनाडा पहुंची मैंने सब कुछ करवा लिया था, इमिग्रेशन वाला सब कुछ डन हो गया था, तो क्योंकि मेरी फ्रेंड मुझे रिसीव करने आ रही थी एयरपोर्ट पे, तो उसने मुझे बोला, मैंने बोला सब कुछ हो गया है, मेरे मेरे को बैग भी मिल गए हैं, तो तू अब आ जा अंदर ही आ जा, तो उसने बोला कि तूने अपनी आरटीपीसीआर नहीं करवाई, मैंने बोला कि आरटीपीसीआर मैं वो पूछ लेती हूँ, तो फिर वहां पे मैंने सिक्योरिटी वालों से पूछा एक, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा, उन्होंने मुझे बोला कि आपके उसमें ग्रीन मार्क है, मैं उसमें उसको कुछ एच लिखा था या पी लिखा था पता नहीं, कुछ मार्क था नहीं ग्रीन नहीं सा वो एक सर, वो वो था ग्रीन स्टिकर, स्टिकर लगा रहे हैं आजकल हाँ बस। स्टिकर था मार्क नहीं था सॉरी स्टिकर, तो उन्होंने मुझे उन्होंने बोला कि आपके इसमें ग्रीन स्टिकर लगा है ना, दैट इट मीन्स यू डोंट हैव टू गो फॉर एनी टेस्ट, आपको कोई टेस्ट नहीं लेना है, आपको कोई सैंपल्स नहीं देने हैं, नाउ यू आर फ्री टू गो, आप एयरपोर्ट से जा सकते हो राइट क्योंकि राइट आप फुली वैक्सीनेटेड हो, तो आपको कोई रिक्वायर्ड नहीं है, और क्योंकि मैंने रिपोर्ट भी ऑलरेडी पहले ही दिखा दी थी मैंने 24 आवर्स की, तो फिर बस इतना ही था, यहाँ पे मैंने को टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, आपने फुली वैक्सीनेशन का जो वो होता सर्टिफिकेट, वो भी अपलोड किया हुआ ना शायद अराइव कैन के ऐप में, या वो दिखाने कोई जरूरत पड़ेगी यहाँ पे? नहीं जी हाँ, अराइव कैन ऐप डाउनलोड कर लो अगर आप कनाडा आ रहे हो तो, और अराइव कैन में जितनी भी आपसे जितनी भी पूछे गए आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन या डिटेल्स जितनी मांगी गई आप सारी दे दीजिए, मेरे को भी अपलोड करनी पड़ी थी वैक्सीनेशन की दोनों डोजेस की पीडीएफ, तो मैंने तो कर दी, मेरे पास थी, मैं फुली वैक्सीनेटेड थी, और यहाँ पे उन्होंने पूछा भी था अराइव कैन ऐप शो करने के लिए, तो लास्ट में जो रिसीट आती है उसमें वी लिखा होता है जो बताता है कि यू आर वैक्सीनेटेड एंड यू आर वैक्सीनेटेड, सेफ राइट। टू ट्रेवल, तो बस फिर हाँ तो आपको कहीं पे
क्वारंटीन और कुछ तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि शायद फुली वैक्सीनेटेड तो ऑलरेडी सब चीज से एग्जेम्प्टेड है, राइट? इवन वन डे भी नहीं करने हाँ होने। मैंने, हाँ मैंने अपनी तरफ से सारे कुछ मतलब इंडिया में आने से पहले सब कुछ इंश्योर किया कि मुझे ट्रेवल में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने अपनी वैक्सीनेशन की सारी डोजेस और टाइम पे आरटीपीसीआर टेस्ट और अपने एजेंट से भी मैंने ऐसा पैकेज बनवाया था जिसमें मुझे दिक्कत ना आए, बिकॉज वो उसने मुझे पहले काफी ऐसे पैकेज दे दिए थे जहाँ पे मुझे 5-6 हॉल्ट्स मिल गए थे, अरे तो मैंने कहा कि इतने बाप मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझे मतलब ज्यादा से ज्यादा ऐसा पैकेज हो जहाँ मेरे को सिर्फ दो तीन ही फ्लाइट चेंज करने पड़े, तो मुझे ये ऑप्शन सबसे सूटेबल लगा, ये वाला रूट, दिल्ली टू दुबई, देन दुबई टू लंदन, एंड देन लंदन टू कनाडा। ओके गुड। तो नम्रता एक बात बताओ, अगर किसी फीमेल हाँ को, जी, किसी गर्ल को ट्रैवल करना है सोलो, आपने भी सोलो ट्रैवल किया, तो कुछ हाँ जी, प्रॉब्लम आ रही है ऐसी, मतलब या ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यू? अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस और अपने केस के अकॉर्डिंग बताऊं तो मुझे तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। मेरा दिल्ली टू टोरंटो का पूरा जो ट्रेवल एक्सपीरियंस था वो बेस्ट था, क्योंकि एक तो मेरे जो मेरे एजेंट, उन्होंने मुझे सबसे अच्छा पैकेज बना के दिया था, और मुझे जहाँ पे भी दिक्कत आ रही थी या फिर मुझे कुछ डाउट्स थे, कंफ्यूजन थी, तो मैं एयरपोर्ट पे किसी से पूछ ले रही थी या फिर जो मेरे फ्लाइट पे बैठे थे मैं उन लोगों से पूछ ले रही थी, तो ऐसा मुझे कहीं अनसेफ फील नहीं हुआ या फिर कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि काफी फैमिलीज को लगता है कि लड़की अकेले ट्रेवल कैसे कर सकती है। राइट, हाँ वही वही मेरा क्वेश्चन हाँ, था बेसिकली, तो क्योंकि इनफैक्ट फैमिली वाले डरते हैं। मेरी फैमिली भी थी जिनको डर था कि एक मैं अकेली लड़की हूँ, मैं इतना लंबा ट्रेवल कैसे करूंगी, और ऊपर से राइट मेरा एक नाइट स्टे भी था दुबई में, तो फैमिलीज काफी डर जाती हैं कि हाँ ऐसे नहीं भेज सकते तो भाई, अगर लड़की। कोई फैमिली वाला देख रहा है तो देख लो, कोई डरने की बात नहीं है, हाँ ट्रैवल जी, बिल्कुल कोई डरने की सेफ बात है। नहीं है, सब कुछ चीजों पर ध्यान देना है, अगर आप एक्टिव हो, अटेंटिव हो और कुछ डाउट्स हैं तो आप डाउट्स मन में ना रखें, आप किसी से पूछ लें जो आप आपके साथ ट्रेवल कर रहे हैं, या फिर किसी एक्सपीरियंस बंदे से, या फिर एयरपोर्ट पे किसी से भी आप पूछ लीजिए, तो सब क्लियर कर देते हैं, और अगर आप एयरपोर्ट पे पहुंच रहे हैं तो आपको वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पे सब कुछ डायरेक्शन दी होती है, ऊपर जो बोर्ड्स लगे होते हैं वहां पे आपको सब डायरेक्ट करते हैं कि आपको कहाँ पे कहाँ जाना है, अगर तब भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप फेलो पैसेंजर से पूछ सकते हैं, तो ऐसा कुछ राइट भी नहीं है, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे साथ भी स्टूडेंट्स ट्रेवल कर रहे थे, अगर स्टूडेंट्स नहीं है आपके साथ तो आप किसी बड़े से पूछ लीजिए, वो आपको अच्छा गाइड करेगा। मेरे साथ तो एक भैया थे और काफी लोग थे, तो जिन्होंने मुझे सही गाइड कर दिया, मैंने उनसे काफी क्वेश्चनिंग की, क्योंकि मुझे तो बहुत डाउट्स रहते हैं, मैं एक चीज को 100 बार कंफर्म करती हूँ, तो मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं रही, तो मैं जितनी भी गर्ल्स जो ट्रैवल कर रही है मैं उनको बताना चाहती हूँ, और जितनी भी फैमिली से जो डर रही है कि हमारे बच्चा कैसे ट्रेवल करेगा इतना दूर जा रहा है, तो ट्रस्ट मी कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपने चीजें सही तरीके से की हैं, आपने अपनी बुकिंग सही तरीके से करवाई है, और याद रखिएगा आप जो भी बुकिंग करवा रहे हैं और जिस एजेंट से भी बुकिंग करवा रहे हैं, तो बुकिंग रेफरेंस नंबर जो है उस पर आप एक बार जाके एक वेब मतलब कंफर्म कर लीजिएगा कि वो मतलब बुकिंग आपकी एक्चुअल में हुई भी है नहीं वैलिड है। है कि नहीं है, तो मतलब एयरलाइन हाँ से भी वेरीफाई कर लूं मैं तो, क्या एक हाँ बार तो। एयरलाइन से भी वेरीफाई कर लेना चाहिए, तो आप ट्रेवल से पहले अगर आप हर एक चीज वेरीफाई करके जाएंगे, कंफर्म करके जाएंगे, तो कुछ भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, और रास्ते में कुछ दिक्कत भी आती है तो आप लोग पूछ लीजिएगा, कभी हिचकिचाइएगा मत, बिकॉज अब आप बाहर आए हैं तो आपको थोड़ा बहुत डर डर हटाना पड़ता है, तो राइट राइट हाँ, क्योंकि मैं भी चलो। काफी पहले कंजर्वेटिव थी, मैं भी काफी डरती थी चीजों से, बट हाँ बाहर आए हो तो खुलना तो पड़ेगा। कनाडा आके सब एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इस टोटल जर्नी में आपके टोटल कितने पैसे खर्च हुए, इंक्लूडिंग आरटीपीसीआर टेस्ट और स्टे और फ्लाइट जी टिकट्स, अगर आप थोड़ा डिटेल बताएं इसके बारे में। हाँ जी बिल्कुल, मेरा जो मैंने जो पूरा अपना ट्रैवल पैकेज, आई मीन फ्लाइट्स वगैरह, और क्योंकि मुझे चाहिए था कि मेरे एक पैकेज में हो जाए, मैं चाहती नहीं थी कि मैं हर अलग जगह जाके मैं खर्च करूं, क्योंकि फिर वो थोड़ा हैसल हो जाता है, कुछ लोगों के लिए वो इजी भी रहता है क्योंकि उसमें पैसे कम भी पड़ते हैं, तो मैं आपको ये बोलूंगी कि ये राइट सबसे सही ऑप्शन है, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम ट्रेवल करी थी इसलिए मैं ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं जाती थी,
तो इस वजह से मैंने अपने एजेंट को बोला, आप जो भी पैकेज तैयार कर रहे हैं मेक श्योर आप मोस्टली जो खर्चा है वो आप इसमें इंक्लूड कर ले, मैं आपको पे कर दूंगी, बाकी आप जो है वो अपना अलग से देख सकते हैं, अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप वेबसाइट वगैरह में जाके अच्छे से रिसर्च करके आप अपना अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मेरा जो खर्चा था फ्लाइट का और मेरी फ्लाइट में जो मेरा पैकेज था वो एक काइंड ऑफ पैकेज था वन वे, मेरे इसमें फ्लाइट मतलब दिल्ली टू दुबई, दुबई टू लंदन एंड लंदन टू टोरंटो की सारी फ्लाइट्स का खर्चा था, साथ में मेरा होटल का खर्चा था और मेरे एक मील ब्रेकफास्ट थी, तो बस इतना था मेरा। इसका जो मेरा खर्चा आया था वो था 1,70,000 और उस टाइम पे, हाँ अभी इस टाइम पे जब मैं 13 सितंबर 12 को मेरी फ्लाइट थी तो मुझे सबसे सही पैकेज यही मिला, बिकॉज बाकी जितने भी पैकेज थे वो 2.5 से ही अबव थे, और हाँ मेरे लिए इनफैक्ट 1.7 भी मेरे लिए ज्यादा हाँ, था, टू वन पॉइंट पॉइंट फाइव सेवन इज भी लाइक क्रेजी। मेरे का मतलब, मैं जब हाँ आया था ना अभी, और मेरे खुद का, मेरा एक्चुअली उसमें क्वारंटीन भी था तब पैसे बढ़ गए, नहीं तो मेरा भी 2,10,000 तक चला गया था इंक्लूडिंग, क्योंकि क्वारंटीन के मेरे काफी पैसे लग गए, नहीं तो मेरा भी 1.5 तक हो जाता आराम से। जी। मेरे साथ जो एक ट्रेवल कर रहे थे उनका वैंकूवर उन्होंने जाना था, वो भी दिल्ली से ही ट्रेवल कर रहे थे, उनका अराउंड 145-150 में सब कुछ डन था और उन्होंने सब कुछ खुद से बुक किया था, ते भी खुद से बुक करने में वीजा तो है, हाँ, वो हाँ मैंने खुद वीजा फ्लाइट वगैरह, हाँ खुद, आपने भी खुद बुक किया था, मैंने तो लेकिन 1.25 मैं में हो गई फर्स्ट थी टाइम, फ्लाइट्स। और वो हाँ खाना पीना स्टे होटल मिला के खाना खर्चा पीने उसकी बढ़ता वजह चले से, गया। जी जी चलो जी मतलब जो अकेले है तो आपके लिए सही है, जिसको एक्सपीरियंस नहीं, आई थिंक एजेंट से बुक कराना भी, हाँ मैं 170 इज नॉट अ बैड डील, क्योंकि उसमें आपका आरटीपीसीआर, होटल और उसमें हर चीज हाँ करा के दिया था, आपको कोई हाँ पैसा मेरे खर्च जो करना है। फ्रेंड्स, हाँ मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं उन्होंने 1.3 में भी पैकेज लिए हैं, लेकिन वो लोग काफी अगस्त टाइम पे चले गए हाँ थे, वो पहले अगस्त के वाले हैं। मिड में चले गए थे, तो उनके लिए काफी सही पड़ गया था, क्योंकि सितंबर 1 से सितंबर 9 तक मैंने जितने भी एजेंट से बात की थी उन्होंने मुझे बोला कि 1.9, 2 और 2.2 से अबव ही दे रहे थे, तो इसलिए मुझे लगा कि ये तो ज्यादा है, इसलिए मैंने उन्होंने बोला 13 के बाद से आपको, नहीं 11 के बाद से आपको थोड़ा सा लेस हो जाएगा, तो इससे मैं सोचा कि ठीक है 12 का ही कर लेते हैं, और देर भी नहीं करनी है क्योंकि थर्ड वेव इंडिया में आने वाली थी हाँ, और जितनी चांस, जितनी देर करोगे उतना प्राइस अप ही जाना है, तो मैं तो कहूंगा कि हाँ पहले हाँ जी हाँ निकल, जी पहले बुक करके निकल लो, अगर आपको आने में तो जी कोई वेव आ गई तो फिर जी फंस जी जाना है तो। तो 1.7 मेरा टोटल पैकेज था, और इसके अलावा जो मैंने अपने साथ कैरी किए थे वो थे कुछ कैनेडियन डॉलर्स, 1,000 कैनेडियन डॉलर्स मैंने अपने साथ रखे थे, ताकि इनिशियली जब मैं यहाँ पहुंचू तो मतलब मेरे को खर्चा करने के लिए ज्यादा होना करना पड़े, और क्योंकि अकाउंट भी खुलवाना था सीआईबीसी में, जीआईसी का, तो उसके लिए मुझे 1-2 दिन लग जाने थे, तो इसलिए मैं घर से ही थोड़े से मतलब कुछ कैश वगैरह लेके आई थी कैनेडियन करेंसी में, और साथ में क्योंकि मुझे दुबई रुकना था तो वहां के लिए मैंने दिरहम मैंने चेंज करवाया, बट मैंने यूएस डॉलर्स में करेंसी करवा ली, क्योंकि यूएस डॉलर्स में आराम से करेंसी एक्सचेंज भी हो जाती है, यूएस तो डॉलर मैंने तो हर अपने जगह साथ, चल जाता है इजीली। हाँ जी, तो साथ में मैंने 300 US डॉलर्स रखे थे, जिसमें से मेरे सिर्फ 100 US डॉलर्स का खर्चा हुआ, 100 भी नहीं होता, थोड़ी सी मैंने वहां शॉपिंग कर ली थी, तो आपका मैक्स अगर, क्योंकि मेरा सब कुछ खाना पीना तो वही था, तो मैक्स टू मैक्स आपका 25-30 दिरहम्स का ही खर्चा, अगर आपका एक्स्ट्रा खर्चा आना हो तो, जैसे कि रात को डिनर कर लिया या फिर कुछ भी छोटा मोटा आपने कुछ किया, तो मैक्स 25-30 दिरहम्स में, अदरवाइज मेरे पास अभी 200 फिलहाल सेफ है तो चलो 200 की पार्टी करेंगे। तो यार थैंक्स अ लॉट, आपने सारी, आई थिंक सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर ही दी है, क्या कैसे कैसे आना है, क्या पैसे लगे, कौन सी राउट थी, और गर्ल्स के लिए सेफ है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग टू द चैनल। अगर भाई लोग आपके किसी के कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताओ, और कमेंट कोशिश करेंगे आपका रिप्लाई करने की। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, टिल देन बाय।